यूपी चुनाव को लेकर लगातार प्रशासन और चुनाव आयोग प्रत्याशी और आम लोगों से कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखने की अपील कर रही है, लेकिन न तो नेता इस अपील पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और न ही आम जनता, जिसके बाद अब पुलिस भी कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने के मामले में दर्ज कर रही है। इसी कड़ी में यूपी के संबल में असमोली विधानसभा क्षेत्र के अतरासी गांव में पुलिस ने सपा विधायक पिंकी यादव और 50 से 60 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। पिंकी यादव पर अतरासी गांव में जनसभा कर आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन का आरोप है। पुलिस का कहना है कि बिना मास्क लगाए जनसभा में समर्थक बैठे थे, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। बता दें कि लगातार अधिकारी आचार संहिता के उल्लंघन और कोरोना नियम को पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर अधिकारी अलर्ट पर भी हैं। चुनाव आयोग ने पहले ही सभी पार्टियों को चेतावनी दी थी कि कोई भी कोरोना नियमों को नहीं तोड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए संबल से मुजमिल दानिश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।